हेलो फ्रेंड्स, आर्केलन स्टडी में आपका स्वागत है। टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स है। पिछले एक साल का जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं उनको इस वीडियो में इंक्लूड किया गया। आज का टॉपिक है बिजनेस, इकोनॉमिक एंड बैंकिंग से रिलेटेड पिछले एक साल का करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है। तो आप लास्ट तक वीडियो देखना और कंटेंट अच्छा लगे तो लाइक और अच्छा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। और अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं तो वीडियो के नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा होगा, उस पर आपको टच कर देना है और बगल में बेल आइकन को भी टच करके ऑल नोटिफिकेशन ओपन कर लेना है ताकि आपको लेटेस्ट अपलोड वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। दोस्तों, पीडीएफ आपको चाहिए तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, आप टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन होकर पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें, शेयर नहीं किया तो शेयर जरूर करें फेसबुक व्हाट्सएप पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न है, कॉमर्स सर्विस सेंटर यानी CSC ने हाल ही में फास्टैग की बिक्री के लिए किस बैंक के साथ साझेदारी की है? सही आंसर हो जाएगा पेटीएम पेमेंट बैंक के साथ। कॉमन सर्विस सेंटर यानी CSC ने हाल ही में फास्टैग नामक डिजिटल टोल भुगतान टैग बेचने के लिए पेटीएम भुगतान बैंक लिमिटेड के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। CSSCL PPBL फास्टैग को बेचने के लिए बैंक के साथ अपने प्लेटफार्म को एकीकृत करेगा। पिछले साल दिसंबर से सभी वाहनों में डिजिटल टैग को अनिवार्य कर दिया गया। सामान्य सेवा केंद्र अपने ग्राम स्तरीय उद्यमियों के माध्यम से फास्टैग बेचते हैं। इससे पहले CSCS ने फास्टैग की बिक्री के लिए भारतीय स्टेट बैंक, इक्विटास बैंक और HDFC बैंक के साथ एकीकरण किया था। अगला प्रश्न है कि इस कंपनी ने हाल ही में 5 भारतीय राज्यों की 15 टेक स्टार्टअप कंपनियों को मार्गदर्शन देने की घोषणा की है। सही आंसर हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट ने हाल ही में घोषणा की है कि उसने गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, केरल और तेलंगाना जैसे 5 राज्यों से 54 टेक स्टार्टअप का चयन किया है। इन स्टार्टअप कंपनियों को एमर्ज एक्स प्रतियोगिता के माध्यम से चुना गया था। चयनित 54 कंपनियों में से प्रत्येक राज्य से 3 के क्रम में 15 स्टार्टअप कंपनियों को माइक्रोसॉफ्ट द्वारा मार्गदर्शन दिया जाएगा। चयनित स्टार्टअप कंपनियाँ भी हाईवे टू 100 यूनिकॉर्न्स नामक राज्यों में स्टार्टअप इकोसिस्टम को मजबूत करने की टेक मेजर की पहल का हिस्सा है। अगला प्रश्न है, स्विस बैंक ने जूलियस बेयर द्वारा किए गए हालिया अध्ययन के अनुसार लग्जरी वस्तुओं के लिए दुनिया का सबसे महंगा शहर कौन सा है? सही आंसर हो जाएगा हांगकांग। स्विस बैंक जूलियस बेयर ने हाल ही में लग्जरी वस्तुओं और सेवाओं के मामलों में उन्हें मांगा करने के लिए दुनिया भर के 28 शहरों पर एक अध्ययन किया। अध्ययन के अनुसार बैंक ने लग्जरी वस्तुओं की एक टोकरी को ट्रैक किया और चयनित लग्जरी सामानों के लिए सबसे महंगा शहर हांगकांग है। एशिया को सबसे महंगा महाद्वीप माना जाता है क्योंकि शंघाई, टोक्यो और सिंगापुर द्वारा क्रमशः 2, 3 और 5वीं रैंक प्राप्त की गई थी। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस निजी क्षेत्र के बैंक ने अपने ATM से कार्डलेस कैश विड्रॉल सुविधा शुरू की है? सही आंसर हो जाएगा ICICI बैंक। भारत के प्रमुख निजी क्षेत्र के बैंक ने हाल ही में अपने ATM से कार्डलेस निकासी की सुविधा शुरू की है। सुविधा पूरे ICICI बैंक के ATM में दिन भर उपलब्ध रहेगी, जिसकी संख्या लगभग 15,000 है। कार्ड कम सेवा का लाभ उठाने के लिए ग्राहक को ICICI मोबाइल ऐप यानी आई मोबाइल पर लॉगिन करना होगा और एक अस्थायी पिन जनरेट करना होगा। ग्राहक तब बिना किसी कार्ड की जरूरत को OTP और पिन डालकर नकदी निकाल सकता है। प्रति लेन देन की दैनिक सीमा और सीमा लिमिट 20,000 है। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक के अध्ययन के अनुसार किस राज्य ने 2018-19 में सबसे अधिक परियोजना निवेश आकर्षित किया? सही आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI के एक हालिया अध्ययन के अनुसार आंध्र प्रदेश उन राज्यों की सूची में सबसे ऊपर है जिन्होंने 2018-19 में सबसे अधिक परियोजना निवेश आकर्षित किया। महाराष्ट्र जो पिछले साल का टॉपर था 2018-19 में अपने शीर्ष स्थान से चूक गया, लेकिन 2014-15 और 2018-19 के बीच 5 साल की अवधि में निवेश के मामले में पहले स्थान पर रहा। 2018-19 में तमिलनाडु और महाराष्ट्र के बाद 2018-19 में स्वीकृत परियोजनाओं की कुल लागत में आंध्र प्रदेश की हिस्सेदारी सबसे अधिक है, जो कि 11.8% है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस संगठन ने निर्यात वस्तुओं की उत्पत्ति पर जिलेवार डेटा को कैप्चर करने की प्रक्रिया शुरू की है? सही आंसर हो जाएगा अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क केंद्रीय बोर्ड।
केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड यानी CBIC ने हाल ही में निर्यात वस्तुओं की उत्पत्ति पर जिलेवार आंकड़ों पर कब्जा करना शुरू कर दिया है। यह प्रस्तावित निर्यात जानकारी नीति निर्माताओं को प्रत्येक जिले के महत्व के बारे में एक व्यापक सांख्यिकी इनपुट प्रदान करेगी। इसलिए नीतियों को जिलों के बेहतर ज्ञान के साथ जोड़ा जा सकता है और इस तरह स्थानीय क्षमता को बढ़ाया जा सकता है। अगला प्रश्न है, फरवरी 2020 तक किस भारतीय कंपनी ने घरेलू बाजार पूंजीकरण चार्ट में शीर्ष स्थान प्राप्त किया था? सही आंसर हो जाएगा रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड रुपए के साथ घरेलू बाजार पूंजीकरण चार्ट में सबसे ऊपर है। इसके बाद TCS, HDFC बैंक, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड और HDFC का स्थान है। हाल ही में 10 सबसे मूल्यवान भारतीय कंपनियों में से 8 ने मिलकर उनके बाजार पूंजीकरण में 1.09 ट्रिलियन HDFC और HDFC बैंक को छोड़कर अन्य शीर्ष 10 कंपनियों ने अपने बाजार मूल्यांकन को बढ़ाया। टॉप 10 की सूची में ICICI बैंक, भारतीय एयरटेल और बजाज फाइनेंस ने अपना एम कैप बढ़ा दिया। अगला प्रश्न है, जिंगा किसानों की सहायता के लिए किस विमान वाहक पोत ने मालवाहक सेवाएं शुरू की है? सही आंसर हो जाएगा स्पाइस जेट। अग्रणी भारतीय विमान वाहक पोत स्पाइस जेट ने जिंगा के बीज के परिवहन में सहायता के लिए चेन्नई और विशाखापट्टनम से सूरत और कोलकाता तक की फ्री फाइटर सेवाएं शुरू की है। स्पाइस जेट नामक एयर कार्गो आर्म स्पाइस एक्सप्रेस का इस्तेमाल करेगा। 21 टन क्षमता वाली बोइंग 737 मालवाहक परिवहन में इस्तेमाल किया। प्रस्तावित मार्गों में इस तरह का यह पहला प्रयास है। हाल के बजट में कृषि उद्यान नामक एक समान सेवा प्रस्तावित की गई थी। अगला प्रश्न, यस बैंक की पुनर्निर्माण योजना के अनुसार बैंक की नई अधिकृत पूंजी क्या है? सही आंसर हो जाएगा 6200 करोड़। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए RBI द्वारा प्रस्तावित एक पुनर्निर्माण योजना को मंजूरी दी। केंद्रीय वित्त मंत्री ने घोषणा की कि यस बैंक की अधिकृत पूंजी को बढ़ाकर 6200 करोड़ रुपए कर दिया गया है। योजना के तहत SBI यस बैंक में 7250 करोड़ रुपए का निवेश करेगा और 49% इक्विटी लेगा। ICICI बैंक 1000 करोड़ रुपए का निवेश करेगा और HDFC बैंक 1000 करोड़ रुपए का निवेश करेगा, जबकि एक्सिस बैंक 600 करोड़ रुपए का निवेश करेगा। फेडरल बैंक और बंधन बैंक 300 करोड़ रुपए का निवेश करेंगे। पंजाब नेशनल बैंक के पूर्व गैर कार्यकारी अध्यक्ष सुनील मेहता को यस बैंक के गैर कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, विश्व बैंक ने किस भारतीय राज्य के साथ अपनी ग्राम पंचायतों में कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए $80 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? सही आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। भारत सरकार, हिमाचल प्रदेश और विश्व बैंक की राज्य सरकार ने हाल ही में हिमाचल प्रदेश में कुछ ग्राम पंचायतों में जल प्रबंधन प्रथाओं में सुधार और कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए $80 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए। हिमाचल प्रदेश में एबिलिटी स्रोत स्थिरता और जलवायु लचीला बारिश फेड कृषि के लिए एकीकृत परियोजना को 428 ग्राम पंचायतों में लागू किया जाएगा, जिससे 4 लाख से अधिक छोटे किसानों का लाभ होने की उम्मीद है। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक की हालिया अधिसूचना के अनुसार शहरी सहकारी बैंकों के लिए एक एकल उधारकर्ता को उधार देने की सीमा क्या है? सही आंसर हो जाएगा 15% Tier 1। भारतीय रिजर्व बैंक शहरी सहकारी बैंकों के लिए एकल उधारकर्ता और समूह जोखिम सीमा क्रमशः 15% और 25% Tier 1 पूंजी है। सीमा में यह कमी बड़े ऋणों से उत्पन्न होने वाले एकाग्रता जोखिमों को कम करने के लिए है। मौजूदा मानदंडों ने एकल उधारकर्ताओं के लिए 15% और बैंक की कुल पूंजी Tier 1 और Tier 2 कैपिटल के समूह जोखिमों के लिए 40% की अनुमति दी है। बैंकों को अपने मौजूदा एक्सपोजर को 31 मार्च 2023 तक नई सीमा में लाना होगा। अगला प्रश्न है, आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने हाल ही में किस वस्तु पर ₹350 प्रति टन की अतिरिक्त निश्चित लागत को मंजूरी दी है? सही आंसर हो जाएगा यूरिया। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने हाल ही में यूरिया इकाइयों के लिए निर्धारित लागतों के निर्धारण में संशोधन
नए मूल्य निर्धारण योजना थर्ड एनपीएस थर्ड में अस्पष्टता को दूर करने के लिए उर्वरक विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। संशोधित एनपीएस थर्ड को 2 अप्रैल 2014 को अधिसूचित किया गया था, लेकिन इसे लागू नहीं किया गया। इस अनुमोदन से 30 यूरिया विनिर्माण इकाइयों को 350 रुपये प्रति टन की अतिरिक्त निश्चित लागत का अनुदान प्रदान किया जाएगा और आयात निर्भरता कम होगी। अगला प्रश्न है, विदेश व्यापार नीति जिसे मार्च 2021 तक बढ़ाया गया है किस वर्ष लागू हुई? सही आंसर हो जाएगा 2015 में लागू हुई थी। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने हाल ही में भारत सरकार की विदेश व्यापार नीति में बदलाव की घोषणा की है। वर्तमान नीति 31 मार्च 2020 तक 5 वर्षों के लिए वैध थी, जबकि यह 1 अप्रैल 2015 को लागू हुई थी। कोरोना वायरस महामारी की पृष्ठभूमि में सरकार ने नीति को 1 वर्ष और बढ़ाकर 31 तक करने का निर्णय लिया है, मार्च 2021 तक। अगला प्रश्न है, किस भुगतान कंपनी ने व्यापारियों के लिए पहला कोरोना वायरस बीमा कवर लॉन्च करने के लिए ICICI लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस के साथ साझेदारी की है? सही आंसर हो जाएगा भारत पे। घरेलू भुगतान कंपनी भारत पे ने व्यापारियों के लिए देश के पहले कोरोना वायरस बीमा कवर को लॉन्च करने के लिए ICICI लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस के साथ भागीदारी की है। भारत पे मोबाइल एप्लीकेशन से खरीदी जा सकने वाली बीमा पॉलिसी का लक्ष्य लगभग 40 लाख दुकानदारों को कवर करना है जो लॉकडाउन के बीच कोरोना वायरस संक्रमण के अधिक शिकार है। यदि वे 1 वर्ष के लिए कवर 25,000 के कवर के लिए 199 के प्रीमियम के लिए महामारी के लिए सकारात्मक परीक्षण किए जाते हैं तो स्वास्थ्य कवर बीमा राशि का 100% भुगतान करता है। अगला प्रश्न है, सरकार ने भारतीय खाद्य निगम को गैर सरकारी संगठनों और OMSS दरों पर खाद्यान्न उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है, OMSS क्या है? सही आंसर हो जाएगा ओपन मार्केट सेल स्कीम। सरकार ने भारतीय खाद्य निगम को निर्देश दिया है कि वह OMSS यानी ओपन मार्केट सेल स्कीम में जरूरतमंदों को पका हुआ भोजन उपलब्ध कराने वाले गैर सरकारी संगठनों और धर्मार्थ संगठनों को खाद्यान्न उपलब्ध कराए। राष्ट्रव्यापी तालाबंदी यानी लॉकडाउन की अवधि के दौरान संगठन ई नीलामी से गुजरे बिना FCI गोदामों से गेहूं और चावल खरीद सकते हैं। चावल के लिए OMSS आरक्षित मूल्य 2,250 प्रति क्विंटल और गेहूं का मूल्य रिजर्व यानी 2,135 प्रति क्विंटल। इससे केवल राज्य सरकार और पंजीकृत थोक उपयोगकर्ताओं को OMSS दरों के तहत FCI से खरीदने की अनुमति थी। अगला प्रश्न है, MS महाबलेश्वर को किस बैंक के MD और CEO के रूप में 3 और 1 वर्षों के लिए फिर से नियुक्त किया गया है? सही आंसर हो जाएगा कर्नाटक बैंक के। भारत के प्रमुख निजी क्षेत्र के ऋणदाता कर्नाटक बैंक ने घोषणा की है कि उसे अगले 3 वर्षों के लिए महाबलेश्वर MS के रूप में भारतीय रिजर्व बैंक ने अगले 3 वर्षों के लिए अनुमोदन प्राप्त हुआ है, जिसके प्रभाव में 15 अप्रैल से रिजर्व बैंक भी है। 13 नवंबर 2021 तक गैर कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में पी जयराम भट्ट की पुनः नियुक्ति को मंजूरी दी। अगला प्रश्न है, किस अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान ने टिप्पणी की है कि कोविड-19 महामारी के कारण 2020 में एशिया के 0% बढ़ने की उम्मीद है? सही आंसर हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने हाल ही में घोषणा की है कि कोविड-19 महामारी के कारण 2020 में एशिया क्षेत्र के 0% बढ़ने की उम्मीद है। संस्था ने यह भी टिप्पणी की है कि पिछले 60 वर्षों में इसका सबसे खराब विकास प्रदर्शन होगा। यह अनुमान ब्लॉग में कोविड-19 महामारी और एशिया प्रशांत क्षेत्र निम्नतम विकास के बाद 1960 के दशक शीर्ष से जारी किया गया है। IMF ने हाल ही में चालू वित्त वर्ष में भारत की विकास दर 1.9% अनुमानित की है। अगला प्रश्न है, भारत कोविड-19 आपातकालीन प्रतिक्रिया और स्वास्थ्य प्रणाली के तैयारी पैकेज के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित वित्तीय सहायता कितनी है? सही आंसर हो जाएगा 15,000 करोड़। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में भारत कोविड-19 आपातकालीन प्रतिक्रिया और स्वास्थ्य प्रणाली की तैयारी पैकेज के लिए रिसेंटली 15,000 करोड़ रुपए की स्वीकृत किए हैं। तत्काल कोविड-19 के आपातकालीन प्रतिक्रिया के लिए प्रधान के रूप में 7,774 करोड़ की राशि रखी गई है। पैकेज को निदान और CO VID समर्पित
उपचार सुविधाओं को विकसित करने के उद्देश्य से सेवा शुरू किया गया है, जिससे कोरोना वायरस का प्रसार धीमा हो गया। यह पहल स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की समग्र छतरी के तहत लागू की जाएगी। अगला प्रश्न, ग्लोबल इकोनॉमिक्स आउटलुक रिपोर्ट के माध्यम से किस रेटिंग एजेंसी ने अनुमानित अनुमान लगाया कि भारत की वित्त वर्ष 2015 की वृद्धि 5% है? सही आंसर हो जाएगा फिच रेटिंग। रेटिंग एजेंसी फिच रेटिंग्स ने अपने नवीनतम ग्लोबल इकोनॉमिक्स आउटलुक में दुनिया की जीडीपी के पूर्वानुमानों को और घटा दिया है। भारत के लिए सबसे बड़ा अनुमान कट था, जहां रेटिंग एजेंसी ने 5% की वृद्धि के अनुबंध का अनुमान लगाया, जिसका अर्थ है कि 2020-21 में 5% -5% की वृद्धि। इससे पहले फिच ने वित्त वर्ष 2015 के लिए भारत की वृद्धि 0.8% होने का अनुमान लगाया था। 2020 में वैश्विक जीडीपी में भी 4.6% की गिरावट का अनुमान है। अगला प्रश्न, एमएसएमई की परिभाषा में हालिया बदलाव के अनुसार एक उद्यम को एक मध्यम उद्यम के रूप में वर्गीकृत करने के लिए निवेश की सीमा क्या है? सही आंसर हो जाएगा 50 करोड़ रुपये। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सूक्ष्म लघु और उद्यमों यानी एमएसएमई की परिभाषा में एक और बदलाव को मंजूरी दी है। इससे पहले केंद्रीय मंत्री ने प्रस्ताव दिया था कि माइक्रो इकाइयों में 1 करोड़ रुपये तक का निवेश और 5 करोड़ रुपये तक का कारोबार हो सकता है, जबकि लघु इकाइयों में 10 करोड़ रुपये तक का निवेश और 50 करोड़ रुपये तक का कारोबार हो सकता है। मध्यम इकाई की निवेश सीमा 20 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 50 करोड़ रुपये और टर्न ओवर लिमिटेड को 100 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 250 करोड़ रुपये कर दिया गया है। मंत्रिमंडल ने तनावग्रस्त संस्थाओं के लिए 20,000 करोड़ रुपये के फंड को मंजूरी दी और 50,000 करोड़ रुपये का इक्विटी इन्फ्यूजन किया। अगला प्रश्न, कृषि मंत्रालय के किस अधीनस्थ कार्यालय ने केंद्रीय मंत्रिमंडल को न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP में बदलाव की सिफारिश की है? सही आंसर हो जाएगा कृषि लागत और मूल्य आयोग। कृषि लागत और मूल्य आयोग कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय का एक संलग्न कार्यालय CACP की सिफारिश के आधार पर केंद्रीय मंत्रिमंडल न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करता है। हाल ही में सरकार ने 2020-21 फसल वर्ष के लिए धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 53 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 1,868 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया। इसने तिलहन दलहन अनाज और वाणिज्यिक फसलों की दरों में भी वृद्धि की। इससे किसानों को उत्पादन लागत पर 50-83% अधिक लाभ मिलने की उम्मीद है। अगला प्रश्न, किस भुगतान बैंक ने MSME के कार्यबल के लिए सुरक्षा वेतन खाता लॉन्च किया? सही आंसर हो जाएगा एयरटेल पेमेंट्स बैंक। भारत के अग्रणी भुगतान बैंक एयरटेल पेमेंट बैंक ने हाल ही में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों यानी MSME के लिए एक वेतन खाता लॉन्च किया है। सुरक्षा वेतन खाते के रूप में नामित यह MSME और अन्य संगठनों को कैशलेस भुगतान करने में सक्षम करेगा। यह हस्पी कैश बीमा और व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा कवर भी प्रदान करता है। अब तक यह केवल नए ग्राहकों के लिए उपलब्ध है और जल्द ही मौजूदा खाताधारकों के लिए बढ़ा दिया जाएगा। अगला प्रश्न है, LLP अधिनियम का विस्तार क्या है जो हाल ही में समाचारों में देखा गया था? सही आंसर हो जाएगा लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट। केंद्रीय कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय ने सीमित देयता भागीदारी LLP अधिनियम के तहत कुछ यौगिक अपराधों को कम करने का प्रस्ताव दिया है। मौजूदा प्रस्ताव में मंत्रालय ने LLP अधिनियम के 20 से अधिक वर्गों को सूचीबद्ध किया है और सार्वजनिक टिप्पणियों और हितधारक परामर्शों की मांग की है। इसमें नामित साझेदारों का परिवर्तन, खातों की पुस्तकों को बनाए आदि रखना शामिल है। कुछ मामले प्रक्रियात्मक या तकनीकी उल्लंघन जिसमें सार्वजनिक हित को कोई नुकसान नहीं होता है, उन्हें डिक्रिमिनलाइज किया जाना है। अगला प्रश्न है, विश्व बैंक के वर्गीकरण के अनुसार भारत को किस आय वर्ग के समूह में रखा गया है? सही आंसर हो जाएगा निम्न मध्यम आय। विश्व बैंक दुनिया के देशों को निम्न मध्यम, ऊपरी मध्यम और उच्च आय वाले देशों में 4 आय समूह प्रदान करता है। वर्गीकरण हर साल 1 जुलाई को अपडेट किया जाता है और यह GNI
प्रति व्यक्ति पर आधारित है। इस वर्ष के वर्गीकरण में नेपाल और इंडोनेशिया सहित 7 अर्थव्यवस्थाएं उच्च श्रेणी में जा रही हैं। श्रीलंका सहित 3 अर्थव्यवस्थाएं निम्न श्रेणी में आ गई हैं। भारत अपने निचले मध्य स्थान को बरकरार रखता है। अगला प्रश्न, इस वित्तीय वर्ष में किस कंपनी ने 73,878 करोड़ रुपये का शुद्ध घाटा दर्ज किया है? सही आंसर हो जाएगा वोडाफोन आइडिया। भारत के तीसरे सबसे बड़े दूरसंचार ऑपरेटर वोडाफोन आइडिया ने वित्तीय वर्ष 2019-20 में सबसे अधिक शुद्ध घाटा दर्ज किया। 73,878 करोड़ रुपये का शुद्ध घाटा किसी भारतीय फर्म द्वारा बनाया गया सबसे अधिक है। कंपनी ने वैधानिक बकाया के लिए प्रावधान किया था, जैसा कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने अनिवार्य किया था। यह उनके भारी शुद्ध घाटे का मुख्य कारण है। दूरसंचार विभाग द्वारा अनुमानित कुल बकाया राशि में से 68,6854.4 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया है। अगला प्रश्न, भारतीय ई कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट किस देश में अपने कारोबार का विस्तार करने के लिए है? सही आंसर हो जाएगा नेपाल। भारतीय ई कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट ने नेपाल की प्रमुख ई कॉमर्स कंपनी सस्टोडियल के साथ एक रणनीतिक साझेदारी पर हस्ताक्षर किए हैं। यह साझेदारी नेपाल के ई कॉमर्स बाजार की पहुंच वाले फ्लिपकार्ट के साथ पंजीकृत लाखों विक्रेताओं को प्रदान करेगी। सस्टोडियल फ्लिपकार्ट विक्रेताओं के 5,000 से अधिक उत्पादों की मेजबानी करेगी, जिसमें विभिन्न श्रेणियों में फ्लिपकार्ट निजी ब्रांड्स मार्क और स्मार्ट बाई शामिल हैं। अगला प्रश्न है, हांगकांग स्थित फर्म PAG ने किस भारतीय फर्म की नियंत्रित हिस्सेदारी शामिल हासिल करने की घोषणा की है? सही आंसर हो जाएगा एडलवाइस फाइनेंशियल सर्विसेज। हांगकांग स्थित निजी इक्विटी यानी PE फर्म PAG ने एडलवाइस फाइनेंशियल सर्विसेज में 2424 करोड़ रुपए के रणनीतिक निवेश की घोषणा की है। PAG जिसे पहले पैसिफिक एलायंस ग्रुप कहा जाता था, 51% हिस्सेदारी हासिल करेगी। यानी वेल्थ मैनेजमेंट में एक नियंत्रित हिस्सेदारी एडलवाइस की निवेश बैंकिंग बीच PAG एशिया की सबसे बड़ी वैकल्पिक संपत्ति प्रबंधन फर्म में से एक है। अगला प्रश्न है, किस भारतीय बिजली कंपनी को अपने नवीकरणीय ऊर्जा व्यवसाय के लिए पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी स्थापित करनी है? सही आंसर हो जाएगा NTPC। सरकार के स्वामित्व वाली बिजली प्रमुख NTPC लिमिटेड ने हाल ही में घोषणा की है कि वह अपने नवीकरणीय ऊर्जा व्यवसाय के लिए पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी की स्थापना करना है। कंपनी ने हाल ही में वित्त मंत्रालय और पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी के गठन के लिए नीति आयोग और निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग DIPAM से अनुमोदन प्राप्त किया है। अगला प्रश्न, 2019-20 की इसी तिमाही की तुलना में 2020-21 के Q1 में भारतीय अर्थव्यवस्था ने कितने प्रतिशत का अनुबंध किया? सही आंसर हो जाएगा 23.9%। भारतीय अर्थव्यवस्था ने वित्त वर्ष 2020-21 के Q1 में पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही की तुलना में 23.9% की वृद्धि की है। 1996 में त्रैमासिक माप शुरू होने के बाद से यह सबसे खराब प्रदर्शन माना जाता है। वित्त मंत्रालय ने 5 राज्यों के किस योजना के कार्यान्वयन के आधार पर 9,913 करोड़ रुपए उधार लेने की अनुमति प्रदान की है? सही आंसर हो जाएगा एक राष्ट्र एक राशन कार्ड। वित्त मंत्रालय ने हाल ही में 5 राज्यों के खुले बाजार उधार यानी OMB के माध्यम से कुल 9,913 करोड़ रुपए उधार लेने की अनुमति दी है। यह अनुमति वन नेशन वन राशन कार्ड प्रणाली से संबंधित सुधारों के कार्यान्वयन के आधार पर दी गई है। 5 राज्य हैं, पहला है आंध्र प्रदेश, दूसरा तेलंगाना, तीसरा कर्नाटक, चौथा गोवा और पांचवा त्रिपुरा थे। किस विकास बैंक ने राजस्थान और MP में शहरी क्षेत्र की परियोजनाओं के लिए 570 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण को मंजूरी दी है? सही आंसर हो जाएगा एशियन डेवलपमेंट बैंक। एशियाई विकास बैंक यानी ADBP ने घोषणा की है कि उसने राजस्थान और मध्य प्रदेश में शहरी क्षेत्र की परियोजनाओं के लिए 2 ऋणों को मंजूरी दी है। बैंक ने राजस्थान के शहरों में पानी की आपूर्ति और स्वच्छता के बुनियादी ढांचे और मध्य प्रदेश शहरी सेवा सुधार परियोजना के लिए 270 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण में
सुधार के लिए यूएसडी 300 मिलियन ऋण को मंजूरी दी है। अगला प्रश्न है, पोस्ट बैंक सिस्टम एजी में 100% हिस्सेदारी खरीदने के लिए कौन सा आईटी प्रमुख है? सही आंसर हो जाएगा टीसीएस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस यानी टीसीएस। पोस्ट बैंक सिस्टम्स एजी 100% शेयरों का अधिग्रहण करने के लिए तैयार है, जो डिस बैंक को आईटी सेवाएं प्रदान करता है। पोस्ट बैंक सिस्टम्स एजी एक जर्मन आधारित आईटी फर्म है। इस अधिग्रहण से पोस्ट बैंक सिस्टम के लगभग 1500 कर्मचारी टाटा कंसल्टेंसी सर्विस का हिस्सा बन जाएंगे। अगला प्रश्न, किस बैंक ने बैंड रखो नामक साइबर धोखाधड़ी जागरूकता अभियान शुरू किया है? सही आंसर हो जाएगा HDFC बैंक। भारत के अग्रणी निजी क्षेत्र के बैंक HDFC बैंक ने हाल ही में मुंह बंद रखो अभियान शुरू करने की घोषणा की है। अभियान का उद्देश्य साइबर धोखाधड़ी पर जागरूकता बढ़ाना और बैंक अगले 4 महीनों में देश भर में 1000 से अधिक कार्यशालाएं आयोजित करेगा। यह अंतर्राष्ट्रीय धोखाधड़ी जागरूकता समाज 2020 का भी समर्थन करता है, जो 15 से 31 नवंबर तक आयोजित किया जा रहा है। किस वित्तीय संस्था ने कोविड-19 वैक्सीन तक पहुंचने में विकासशील देशों की मदद के लिए 20 मिलियन अमेरिकी डॉलर आवंटित किए हैं? सही आंसर हो जाएगा एशियाई विकास बैंक यानी ADB। एशियाई विकास बैंक यानी ADB ने हाल ही में घोषणा की है कि उसने कोरोना वायरस वैक्सीन का उपयोग करने के लिए अपने विकासशील सदस्य देशों को $20.3 मिलियन की सहायता राशि आवंटित की है। फंडों में ADB की तकनीकी सहायता विशेष निधि से 20 मिलियन अमेरिकी डॉलर और जापान द्वारा वित्त पोषित उच्च स्तरीय प्रौद्योगिकी निधि शामिल है। इससे पहले अप्रैल में ADB ने अपने विकासशील सदस्यों को कोविड-19 से लड़ने में मदद करने के लिए 20 बिलियन अमेरिकी डॉलर के साथ सहायता पैकेज को मंजूरी दी थी। वीजा ने किस बैंक के साथ साझेदारी की है? PCI प्रमाणित टैप टू फोन रिकॉर्ड स्वीकृति समाधान को तैनात करने के लिए। सही आंसर हो जाएगा HDFC बैंक। वीजा ने हाल ही में PCI प्रमाणित टैप टू फोन कार्ड स्वीकृति समाधान को तैनात करने के लिए भारतीय अग्रणी निजी क्षेत्र के बैंक HDFC बैंक और डिजिट सिक्योर के साथ भागीदारी की है। डिजिट सिक्योर एशिया प्रशांत में स्थित पहली कंपनी बन गई है जिसने इस तकनीक को तैनात करने के लिए PCI सुरक्षा प्रमाण प्राप्त किया है। भारत भी 15 से अधिक बाजारों की सूची में शामिल हो गया है जो व्यापारियों के लिए वीजा टैप टू फोन तकनीकी प्रदान करते हैं। अगला प्रश्न, UPI बाजार में प्रवेश करने के लिए किस सोशल मीडिया प्लेटफार्म को नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी NPCI से मंजूरी मिली है? सही आंसर हो जाएगा व्हाट्सएप से। व्हाट्सएप को चरणबद्ध तरीके से यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यानी UPI दर्ज करने के लिए नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की मंजूरी मिल गई है। फेसबुक के स्वामित्व वाले सोशल मीडिया दिग्गज के भारत में 400 मिलियन से अधिक उपयोगकर्ताएं UPI भुगतान सेवा शुरू करने में दो करोड़ व्हाट्सएप उपयोगकर्ताओं के लिए शुरू होने की उम्मीद है। NPCI ने कहा है कि प्रत्येक तीसरे पक्ष के भुगतान ऐप के माध्यम से कुल भुगतान संस्करणों पर 30% कैप लागू किया जाएगा। किस देश के सार्वजनिक निवेश कोष यानी PIF ने रिलायंस रिटेल वेंचर्स में 2% से अधिक हिस्सेदारी अर्जित की है? सही आंसर हो जाएगा सऊदी अरब। सऊदी अरब का सार्वजनिक निवेश कोष रिलायंस रिटेल वेंचर्स में 2.04% इक्विटी हिस्सेदारी के लिए 9,555 करोड़ रुपये यानी कि 1.29 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश करने के लिए तैयार है। सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद PIF के अध्यक्ष हैं। इसने पहले फेसबुक, बोइंग और डिज्नी सहित कई दिग्गज कंपनियों में निवेश किया था। अगला प्रश्न है, पोस्ट बैंक सिस्टम AG में 100% हिस्सेदारी खरीदने के लिए कौन सा IT प्रमुख है? सही आंसर हो जाएगा TCS। टाटा कंसल्टेंसी सर्विस पोस्ट बैंक सिस्टम्स AG के 100% शेयरों का अधिग्रहण करने के लिए तैयार है, जो ड्यूश बैंक को IT सेवाएं प्रदान करता है। पोस्ट बैंक सिस्टम AG एक जर्मन आधारित IT फर्म है। इस अधिग्रहण से पोस्ट बैंक सिस्टम के लगभग 1500 कर्मचारी टाटा कंसल्टेंसी सर्विस का हिस्सा बन जाएंगे। अगला प्रश्न, किस तारीख से GST चलान किसी भी फर्म के लिए अनिवार्य होगा जिसका टर्नओवर 100 करोड़ रुपए से अधिक है?
सही आंसर होगा 1 जनवरी 2021 से। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड यानी CBIC ने हाल ही में अधिसूचित किया है कि GST ई चालान किसी भी फर्म के लिए अनिवार्य होगा जिसका टर्नओवर 100 करोड़ रुपए से अधिक है। यह 1 जनवरी 2021 से लागू होगा। GST ई चालान के लिए लागू पहले की सीमा 500 करोड़ रुपए थी, जिसे अब संशोधित कर 100 करोड़ रुपए कर दिया गया है। किस बैंक ने बंद केंद्र सरकार ने COVID-19 के आधार पर ऋणों की 8 श्रेणियों पर ब्याज देने का फैसला किया है। सही आंसर हो जाएगा 2 करोड़ रुपए। केंद्र सरकार ने COVID-19 महामारी के कारण 2 करोड़ रुपए तक ऋण की 8 निर्दिष्ट श्रेणियों पर ब्याज देने का फैसला किया है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार को MSME, शिक्षा, आवास, उपभोक्ता, टिकाऊ क्रेडिट कार्ड, ऑटोमोबाइल, व्यक्तिगत और उपभोग जैसे 8 श्रेणियों के ऋण में ब्याज को वापस लेने के लिए फिर से कदम उठाने का निर्देश दिया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने अस्थायी रूप से अपने डिजिटल लॉन्च को रोकने के लिए किस बैंक को निर्देशित किया है? सही आंसर हो जाएगा HDFC बैंक को। RBI ने हाल ही में HDFC बैंक को अपने सभी डिजिटल लॉन्च और क्रेडिट कार्ड ग्राहकों की नई सोर्सिंग को अस्थायी से रोकने का निर्देश दिया है। देश के सभी बड़े निजी क्षेत्र के ऋणदाता को डिजिटल लॉन्च को रोकने के लिए कहा गया है, क्योंकि बैंक ने पिछले 2 वर्षों में तकनीकी गड़बड़ियों का सामना किया था। RBI ने बैंक के बोर्ड से भी कहा है कि वह लैप्स की जांच करें और जवाबदेही तय करें। किस राज्य के नगर निगम में UNDP भारत के साथ भारत का पहला सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड यानी SIB लॉन्च करने के लिए साझेदारी की है? सही आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। पिंपरी चिंचवड़ नगर निगम ने भारत का पहला सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड यानी SIB बनाने के लिए UNDP इंडिया के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। यह बॉन्ड परिणाम आधारित लक्ष्यों को प्राप्त करने का वर्णन करता है ताकि परिणामों की प्रगति को ट्रैक किया जा सके। यह भी सुनिश्चित करता है कि परियोजना के लिए धन का प्रभावी ढंग से उपयोग किया जाए। ब्रांड स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने में निगम का समर्थन करेंगे। कानूनी इकाई पहचानकर्ता यानी LEI, जिसे हाल ही में समाचार में देखा गया था, कितने अंक के हैं? सही आंसर हो जाएगा 20 अंक। भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने 50 करोड़ रुपए और उससे अधिक मूल्य के भुगतान लेन देन के लिए कानूनी इकाई पहचान ई प्रणाली शुरू करने का निर्णय लिया है। NEFT और RTGS सहित RBI द्वारा संचालित केंद्रीकृत भुगतान प्रणाली का उपयोग करने वाली संस्थाओं द्वारा किए गए परिवर्तन 1 अप्रैल से लागू किया जाना है। LEI एक 20 अंकीय संख्या है जिसका उपयोग विश्व स्तर पर वित्तीय लेन देन करने वाली संस्थाओं की पहचान करने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन फॉर यू, आपके लिए क्वेश्चन है। इसका करेक्ट आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना होगा कि इसका सही आंसर क्या होगा। प्रश्न है, प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है? सही आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियो के नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा होगा उस पर आपको टच कर देना और बगल में बेल आइकन को भी यहाँ रखें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू फॉर